इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो लक्ष्य निर्धारित करके आज ही उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर देना चाहिए। जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? आपके अंदर कभी भी अंडर एस्टिमेट की भावना नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। कभी भी यह नहीं वो सोचना चाहिए या बोलना चाहिए कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ और मैं अमीर परिवार से नहीं हूँ। दोस्तों, हमें APJ अब्दुल कलाम साहब की कही इन 5 बातों को हर सुबह उठकर बोलना चाहिए। ये बातें आप में जोश भर देंगी। गॉड इज ऑलवेज विद मी, ईश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, ईश्वर अल्लाह या गॉड एक अदृश्य शक्ति है जो हर प्राणी के साथ हमेशा रहती है। ईश्वर हमारे साथ है तभी तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन का चक्र चलता है। वही हमारी रक्षा करता है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि मैं अकेला हूँ, ऐसा सोचना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर हमारे साथ है। जब मैं पैदा हुआ था तब भी अकेला था और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा सोचना गलत है। ईश्वर तो सभी के साथ अच्छा ही करता है। बस अपने ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह में पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए और हर सुबह अपने से बोलना है कि ईश्वर हमारे साथ है। I am the best, मैं सबसे अच्छा हूँ। दोस्तों, दूसरी बात जो अपने आप से बोलनी है वह है I am the best, मैं सबसे अच्छा हूँ। मेरे बराबर या आगे कोई भी मेरे से अच्छा नहीं है। मैं फिजिकली और मेंटली सबसे अच्छा हूँ। मेरा चलना फिरना, खड़ा होना और बातचीत करने का तरीका सबसे अच्छा है। मेरा करैक्टर सबसे अच्छा है। मैं बच्चों, औरतों और बुजुर्गों का सर्वोत्तम ढंग से सम्मान करता हूँ। मेरे कथन और कर्म में कोई फर्क नहीं होता है। मैं दूसरे से बातचीत और उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ। मेरे कार्य का आउटपुट हमेशा ही उच्च कोटि का होता है, इसलिए I am the best, मैं सबसे अच्छा हूँ। हर सुबह ऐसा बोलना चाहिए। I can do it, मैं यह कर सकता हूँ। दोस्तों, प्रत्येक दिन हर सुबह अपने आप से बोलना चाहिए I can do it, मैं यह कर सकता हूँ। बार बार बोलना चाहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ। मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। मुझ में कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता और योग्यता है। मुझे मालूम है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना की जा सके। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। मैं वो हर कार्य कर लूँगा जो दूसरे करने से डरते हैं। I am a winner, मैं एक विजेता हूँ। चौथी बात जो हर सुबह उठते ही बोलना है, I am a winner, मैं एक विजेता हूँ। मेरे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, मैं उनसे सामना करने के लिए हमेशा ही सीना तान कर खड़ा रहता हूँ। कितनी बार ठोकरें लगें, कितनी बार भी गिरूँ, फिर खड़ा हो जाऊँगा। मैं हार नहीं मानूँगा क्योंकि मैं एक विजेता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक बार गिरने के बाद खड़े ना हों। ठोकर लगने या असफल होने के बाद दोबारा प्रयास ही न करें। मुझे मालूम है कि रात के बाद दिन होगा। मुझे मालूम है कि असफलता के बाद भी सफलता मिलती है। असफलता के बाद सफलता का मज़ा ही कुछ और है। मैं आगे ही बढ़ता रहूँगा क्योंकि मैं एक विजेता हूँ। टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। दोस्तों, हर सुबह जो 5वीं बात बोलनी है वह है टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा है। मैं इसे यादगार बनाऊंगा। मुझे मालूम है कि समय कभी थमता या रुकता नहीं है। जो समय निकल गया वह कभी भी वापस नहीं आता है। लोग खुश होते हैं कि चलो आज का दिन तो निकल गया, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि जीवन का एक दिन भी तो कम हो गया। जीवन के अंतिम पड़ाव में बीते हुए दिन याद आते हैं कि ऐसा कर लिया होता
तो बहुत अच्छा होता। एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए दोस्तों हर दिन मेहनत और यादगार बनाना है, हर बीते हुए दिन से आज का दिन बेहतर बनाना है। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छा कहा है, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जो बातें हैं वो एक साथ इस प्रकार हैं, ईश्वर हमारे साथ है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, जिससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके पोस्ट कर सकूँगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।